गांजा भरी बीड़ी को जलाने के लिए एक्साइज ऑफिस में माचिस मांगने पहुंचे छात्र, अधिकारियों ने पकड़ा। तिमाही नतीजे जारी होते ही स्टॉक के लिए मची लूट, ऑल टाइम हाई पहुंचा शेयर। फेस्टिव सीजन में सस्ते में जा पाएंगे घर, केवल 1606 रुपये में बुक होगी फ्लाइट टिकट। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर दर्ज हो FIR, भाजपा सांसदों ने की मांग, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर बताई वजह। 59 किलो चांदी, 4 करोड़ की चल संपत्ति, दिल्ली में फार्म हाउस, कितनी अमीर है प्रियंका गांधी। दरवाजे के बाहर से झांक रहे थे खड़गे साहब, बीजेपी का गांधी परिवार पर फूटा गुस्सा, आखिर क्या है मामला। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने लगाए केसी वेणुगोपाल पर आरोप, का हमें बोलने नहीं दिया गया। भारतीय नंबर से आने वाली फर्जी इंटरनेशनल कॉल पर लगेगी लगाम, सरकार ने लॉन्च किया नया सिस्टम। अगर नॉर्थ कोरिया की सेना रूस में है तो अमेरिका ने तानाशाह किम को दी खुली चेतावनी। कनाडा के पीएम ट्रूडो की बड़ी मुश्किलें, सांसदों ने मांगा इस्तीफा, 8 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दीपक पटेल को मैदान में उतारा, कांटे का होगा मुकाबला। 1 घंटे में प्रयागराज से पहुंचे मिर्जापुर, बनेंगे 5 एलिवेटेड फ्लाई ओवर। महाकुंभ के दौरान क्राउड मैनेजमेंट पर योगी सरकार का फोकस, रोड पर नहीं लगने दिया जाएगा जाम। ऐतिहासिक धरोहरों को मिलेगा संरक्षण, सुल्तान परवेज का मकबरा और मुबारक मंजिल बनेंगे राज स्मारक। आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, CISF ने शाहगंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा। चांदी ने दिखाया ऐसा भाव कि बाजार की चमक हुई फीकी, सहालग और दूसरी खरीदारी करने वाले रुके। ताज के शहर में फूटा प्रदूषण का बम, हर जगह धूल का गुब्बारा, ताजमहल के पास भी दिखा असर। कई गाड़ियों को टक्कर मारती हुई झोपड़पट्टी में घुसी स्कॉर्पियो कार, एक की हुई मौत। आपकी आईडी से मलेशिया जा रहा था एक पैकेज, डिजिटल अरेस्ट, एक और हैरान करने वाला मामला, ठगे 51 लाख रुपये। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निकला बुलेट सवारों का फिला, सड़क पर बम भी फोड़े, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों के उपचुनाव में दौड़ेगी साइकिल, अखिलेश ने कर दिया ऐलान। बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस को लेकर हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा। आगरा में छाई रही धुंध, काशी में पछुआ हवाओं से तापमान लुढ़का, IMD का ताजा अपडेट। साइन सिटी का एक और एजेंट लखनऊ में गिरफ्तार, 50,000 का इनाम था घोषित। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ नहीं लगाए जा रहे चेक मीटर, उपभोक्ता परिषद ने बिजली विभाग से की शिकायत। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, किसे कहां से मिला टिकट। भाजपा के बाद बसपा ने भी जारी किया 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम, देखे लिस्ट। संजोली और मंडी मस्जिद विवाद के बाद अब सोलन में मजार पर बवाल, हिंदू संगठनों ने दिया अल्टीमेटम। प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल हुए CM सुक्खू, कहा चुनावी राजनीति में उतारना अच्छी बात। अवैध शराब पकड़वाने के शक में युवक को बंधक बनाकर पीटा, कई युवकों से कराया कुकर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल। गुरुग्राम नगर निगम के 4 अधिकारियों पर एक्शन, 15 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी। बिजली के सामान की दुकान में लगी भीषण आग, पास की 2 दुकानें भी जलकर राख। गुरुग्राम में जमकर गर्जा बुलडोजर, 20 एकड़ में कट रही 7 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। चंडीगढ़ में CM आवास पर BJP विधायक दल की बैठक, हरियाणा विधानसभा स्पीकर के नाम पर लगेगी मुहर। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, कर्मचारी और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाया। CM बनते ही नायाब सैनी ने लिया बड़ा फैसला, CET के नियमों में होगा बदलाव, सरकारी नौकरियों में आने वाले झंझट होंगे खत्म। हरियाणा में कांग्रेस को मिला गीता का ज्ञान, भूपेंद्र हुड्डा के EVM में गड़बड़ी वाले आरोप पर भड़के अनिल विज। ये कैसी सरकारी नौकरी, सुबह शाम करते हैं काम मगर नहीं मिल रहा वेतन, हरियाणा ग्रुप D के कर्मचारियों पर लटकी तलवार।
जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसे, दो छात्रों सहित चार लोगों की मौत, पांच घायल। भारत पाक के बीच दुश्मनी का खामियाजा भुगत रहा जम्मू कश्मीर, गंदरबल आतंकी हमले पर बोली महबूब मुफ्ती। गंदरबल हमले में शामिल दो आतंकियों की तस्वीरें आई सामने, हथियारों से लैस सीसीटीवी में हुई कैद। जम्मू कश्मीर के बटागुन तराल में आतंकी हमला, गैर कश्मीरी नागरिक को बनाया शिकार, गंभीर रूप से घायल। सीएम बनने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मिले उमर अब्दुल्ला, किन मुद्दों पर हुई बातचीत। इस दिवाली पर मिलेगी 24 घंटे बिजली, लाइट गुल हुई तो 19-12 पर करे कॉल, ऊर्जा निगम ने की तैयारी। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर उत्तरकाशी बंद, हिंदू संगठन ने किया था आवाहन। घर में चल रहे पीजी को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, 40 युवकों ने किया कुछ ऐसा कि जमकर हुआ हंगामा। आज से उत्तराखंड के 13 शहरों में होगी वायु प्रदूषण का निगरानी, देहरादून में 3 स्थान पर लगे गेज। लालू तेजस्वी को झारखंड में लगा झटका, बीच चुनाव लगी इस्तीफाओं की झड़ी, पूर्व एमएलए भी छोड़ गए। सलमान खान की हालात बाबा सिद्दीकी से भी होगी बदतर, धमकी देने वाला जमशेदपुर से है गिरफ्तार। झामुमो ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची, बगावत करने वाले चमरा लिंडा को मिली टिकट। महागठबंधन में उपेक्षा से परेशान भाकपा माले, धनवार और जमुआ सीट पर सियासत गरमाई। कभी हेमंत कल्पना को देखते हैं और कभी कल्पना, ये क्या बोल गए असम के सीएम हेमंत विश्वा। झारखंड में 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार, जेएमएम ने अब तक नहीं खोले पत्ते, अपनों के खिलाफ सीएम हेमंत की क्या है तैयारी। जब जमानत जब्त होने के बाद भी हारू बने थे विधायक, बेकारो विधानसभा सीट के नाम दर्ज है अनोखे रिकॉर्ड। आज शाम को दस्तक देगा दाना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी, बारिश का अलर्ट। रामगढ़ के चुनावी रन में 2 महिलाओं के बीच दंगल, एजेएसयू और कांग्रेस में टाइट फाइट। बिहार में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान दाना का असर, 19 जिलों में अलर्ट, 2 दिन आंधी पानी के आसार। दिवाली छठ से पहले शिक्षा विभाग ने टीचरों को दे दी खुशखबरी, छुट्टी को लेकर जारी हुआ नया आदेश। निजी विश्वविद्यालय में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट, शिक्षा मंत्री बोले सख्ती से लागू हो नए निर्देश। शहरी क्षेत्र के गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, दिवाली से पहले करें आवेदन, ये कागजात जरूरी। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया गजब का प्लान, अब जिलों को मिलेगी ये सुविधा।